नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जहरीली शराब से सिवान और छपरा में मौत का मामला सामने आया है। एसपी ने 20 लोगों की मौत की पुष्टि भी की है। वहीं आपको बता दें कि सिविल सर्जन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 20 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है। लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई। अब इस मामले में जो है राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। एजेंसी के मुताबिक मामले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा कि बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे जानकारी मिली कि मगहर और औरैया पंचायतों में रहस्यमय स्थिति में 3 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों की टीम तुरंत इलाके में भेजी गई और 12 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक व्यक्ति की रास्ते में ही मौत हो गई। अब इसके बाद गांव वालों में जो है काफ़ी दहशत का माहौल है। एक दुखद घटना वहां पर हो गई है, जिससे गांव वालों में स्थानीय लोगों में हड़कंप मच रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बयानबाजी शुरू है, जहां एक तरफ विपक्ष ये बोल रहा है लगातार हमलावर है कि इसमें सीधे सीधे सरकार की गलती है। पहले इस पूरे मामले पर मृत्युंजय तिवारी क्या बोल रहे हैं, उनकी बात सुनिए। इस NDA सरकार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। जहरीली शराब से कल भी छपरा में कई लोगों की जानें चली गई। लगातार ये जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही है और शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह जहरीली शराब मिल रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है शराब, शराबबंदी कानून के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया गया, कितना राशि खर्च किया गया इस पर, इसके बावजूद जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही है, ये चिंता का विषय है और इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है और जवाबदेही सरकार की है। तो सुना आपने किस तरीके से मृत्युंजय तिवारी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वैसे लोग जो शराब की अवैध तस्करी करते हैं वो सत्ता में ही बैठे लोग के संरक्षण में है, सरकार के ही जाने माने लोग है, तो इसमें पूरी गलती सरकार की है, सरकार के मत्थे मर रहे हैं। अब इस पर शहनवाज हुसैन, बीजेपी के दिग्गज नेता है, शहनवाज हुसैन क्या बोल रहे हैं, उनकी बात को सुनिए। देखिए, ये बहुत दुखद है कि जहरीली शराब के वजह से छपरा और सिवान के इलाके में कई लोगों की जान गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है और सख्ती से लागू की जाएगी, लेकिन कुछ माफिया हैं, शराब तस्कर हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग हताहत हुए हैं, जिनके ने परिवार खोया है, उनकी पूरी चिंता सरकार करेगी। तो सुना आपने किस तरीके से शहनवाज हुसैन ये बोल रहे हैं कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जो आरोपी हैं, उनकी पुलिस जांच कर रही है और जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और जिन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है उन्हें उनको उनकी चिंता हमें है और उनको जो है मदद की जाएगी सरकार के हिसाब से। देखिए, बिहार में भले ही शराब बंद है, लेकिन कई लोग जो है शराबबंदी में भी शराब का सेवन कर रहे और जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं, जिससे उनको जो है मौत का मामला सामने आया और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम करता है। अब NDA किस तरीके से इस पर सफाई देगी, लोगों को किस तरीके से मदद करेगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।